भव्य श्री राम कथा में कथा श्रवण करने के लिए अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। कामखेड़ा में चल रही है श्री राम कथा। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम कथा व्यासपीठ महामंडलेश्वर श्री राम बालक दास महाराज ने श्री राम कथा महोत्सव की सप्तम दिवस कथा में बताया कि भगवान श्री राम का अवतार महलों में रहने के लिए नहीं बल्कि जन कल्याण और संसार में शांति की स्थापना के लिए हुआ। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसीलिए वे राम लक्ष्मण को राजा दशरथ से मानकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गए। इस तरह भगवान श्री राम जन कल्याण के लिए पहली बार अपने राजमहल से बाहर निकले। सप्तम दिवस की भव्य श्री राम कथा महोत्सव में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के विभिन्न भजनों की प्रस्तुति पर खूब जमकर नृत्य किया। श्री राम कथा महोत्सव के बीच बीच में आए हुए मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर इंजीनियर हुकम चंद मीना, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष कुसुमलता मीना, इंजीनियर मयंक मीना, झालावाड़ बिजली विभाग ऐसी राम खिलाड़ी मीना, उपजिला प्रमुख वैनाथ तुरकारिया, लालचंद मीना, भारतीय किसान संघ तहसील सह मंत्री हरिमोहन मीना, कोषाधिकारी कपिल चौधरी, लतूर लाल मीना, सत्यनारायण मीना, डायरेक्टर रामस्वरूप दाधीच, पूर्व सरपंच गोवर्धन सेन, सियाराम मीना, मेघराज मीना, जगदीश मीना, मेघराज मीना, दिनेश लोधा, श्रीलाल लोधा सहित आसपास दूरदराज के श्रोता मौजूद रहे। मैं भाई बंधु थोड़ी देर रुकेंगे, भोजन प्रसादी की व्यवस्था सभी के लिए है। माताएं बहन और जो भी कथा सुन रहे हैं उनके लिए सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। तो सबसे पहले माताएं बहनें बिना विलंब किए सुंदर कलने सुनीता कुमार में देखे, सुंदर संगीतों को कुमार में देखे, सुंदर संगीतों कुमार इतने सुंदर है कि सुबह सूची ये जितनी मिथिलानियां है अयोध्या भय है कि अयोध्या है सज्जनों की नगरी पर दुर्जनों से खाली नहीं है, लंका दुर्जनों की नगरी पर सज यहाँ एक एक जो मिथिलानियां है वो वेदांत की ही चर्चा करती है। यही विहार अति चलो लिखे।
लखन लाल ने उनको तोड़ा और राम जी के माथे पर मुकुट पर लगा दिया। कुछ बीच बीच कुसुम कली के मोर पंख सिर शोभत नीके। मिथिलानियों ने फूल फेंका के फूल फेंकेंगे तो हमारी ओर देखेंगे पर राम जी देखने फिर समय कम है। फिर मिथिलानियों ने कहा कोहू कोहू जो बल आए विधाता सब कहें सुनिए उचित फलदाता। हमने जो दे कि इनको सीता के वर के रूप में ये परमात्मा प्राप्त हो जाए। सीता के पति यही भगवान बने नहीं था हम कहें सुनो सकी इनका दर्शन। पर अगर सीता से विवाह हो जाएगा तो कभी कभी ये इस नाते से आते रहेंगे। और हम बोले जिनको अपने ज्ञान और भक्ति का अभिमान है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं बहुत बड़े ज्ञानी हैं दलिया में डाल दिया। पर जो बेचारे अपने में अधूरापन महसूस कर रहे थे कि अभी हमारी परिपक्वता नहीं आई है अभी हमने अपने माथे से लगा दिया। भक्त मेरे मुकुट मणि भक्तन को दाता। अब एक सखी ने देखा और दौड़ती दौड़ती ये सखी कोई साधारण नहीं एक सतगुरु ने देखा परमात्मा को देखा और जाके वो पुनः कह रही है भक्ति से कह रही है कि सुंदर सखी दो प्यार दो कुमार सुंदर सखी दो तुलसी का